महक। अब तुम तीनों की बाकी की जिंदगी नरक में कटेगी। ये बात जुगराज सर को पता चली, अरे मरेगा तू। तो इसके पीछे जुगराज सर का बेटा है। हाँ, दोस्ती की आड़ में ये बहुत गलत किया तूने शौर्य। ये खाना बनाने की प्रतियोगिता है, बेस्ट बावर्ची। अरे कल सारे बॉक्सिंग मैचेस ब्लाइंड अप है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए मैं नहीं जा सकता। क्वालिफायर राउंड में मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूंगी। अगर तू किसी को यहाँ मिलेगा ही नहीं और मैं बीमार हूँ तो कमेटी को मैच की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। शौर्य सिंह अहलावत बिना ऑफिशियल परमिशन के गायब हैं, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इस शनिवार तकदीर बन जाती है दुश्मन, जब पड़ जाए किसी पर अंतरिक्ष के खतरनाक एलियन की नजर। हम आए हैं ले जाने महक को अपनी दुनिया में। एक घंटे की सुपरहिट मूवी जिंदगी की महक, 16 जून रात 8 बजे। क्या महक के घर आपने गुंडे भेजे थे अटैक कराने के लिए? डरी जी जवाब दीजिए। आपके आगे ऊंची आवाज में बात करने की औकात कैसे थी? अब जो अटैक आप महक पर करेंगे ना, वो मुझ पे करेंगे। अब इसकी जर्नी में मैं इसके साथ हूँ, मैं इसकी ढाल हूँ। हर खतरा जो आप इस पे भेजेंगे ना, वो पहले मुझसे टकराएगा। अब मुकाबला आपकी नफरत और हमारी दोस्ती का है। उस लड़के के साथ 4 दिन में तू इतनी बदल गई, जो तुझे दिखेगा ना, भारी भात पहले थारे लिए पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन आज मुझ में कमी नजर आ रही है। पता सर, थारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? थारा परिवार, थारे इरादे को मजबूत करता है, लेकिन तेरे परिवार को तुझसे दूर करके वो तुझे अकेला करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो आप शौर्य को जिता क्यों रहे हैं मुझसे लड़कर? मत बहस करिए ना मुझसे। कोचर का फोन है, मैं तो गई काम से। अरे कहाँ है तू? हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, जाना पड़ेगा। डैडी जी, मैं निकल चुकी है। देख बेटा, जो काम इसका नकारा बाप ना कर सका, मैं करके दिखाऊंगा। यह छोरी कॉलेज से नहीं, शहर से बाहर जाऊंगी। दिमाग खराब से थारा, एक अनजान लड़के को घर में रखेगी, वो भी उसे जिसकी वजह से इतने सारे झमेले हो रहे थे। ठीक है, प्लीज आप लोग झगड़िए मत, मैं मैनेज कर लूंगा। अब खून की जरूरत हमें पड़ गई तो ये हमारी मदद के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। इसे कहीं रात रुकने की जगह नहीं है, इसके पास कहाँ जाएगा? ठीक है, केवल एक रात के लिए छोरा हमारे घर में रहेगा। दादी तो मैं क्या करता? हाँ मियां बताइए, मैं क्या करता? डर के भाग जाता यहाँ से, मरने देता किसी को? दादी आप खुद बताइए कि डैडी जी के पॉलिटिशियन दोस्तों से मिलना ज्यादा जरूरी था? डैडी जितनी बातें करते ना इंसानियत की, अब क्या हुआ उनकी इंसानियत को? हाँ कहाँ गई उनकी इंसानियत? अरे किसी की जान खतरे में उसकी मदद कर ली और हाँ ठीक है ओके ओके, क्या कर लेंगे, घर से निकाल देंगे? हाँ पहले भी तो एक बार निकाल चुके हैं ना, और इस बार तो मैं खुद हमेशा के लिए निकल जाना चाहता हूँ मैं। अरे कैद लगता है मुझे वो घर, नहीं रह सकता मैं इस बार। दादी मैं जी लूंगा अपनी जिंदगी। हाँ तो क्या दादी? हाँ 12 साल का था तब से घर से बाहर रह रहा हूँ, हॉस्टल के अंदर। माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा ना मैं इसके हाथ की रोटियां खाई है मैंने। वार्डन ने इतना मारा कि कभी डैडी ने इतना ही मारा नहीं होगा। ठीक है फिर से ढूंढ लूंगा कोई ठिकाना। अब यू क्या चालू हो गया है? इट्स टाइम फॉर मैजिक। महक,
मेरी महक। ये आप क्या कर रही हैं माता जी? प्लीज लेट जाइए। माता जी प्लीज। मुझे ना बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं। देखा तू जाग रहा था तो तुझे भी बाहर ले आई। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे ना ये सपने बचपन से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं भाग रही हूँ लेकिन कोई सर पैर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मार देगा। महक को भी ऐसे सपने आते हैं पर महक और मुझे एक जैसे सपने क्यों आते हैं? तुम जाकर भी ना मुझे परेशान नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है? मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? ये प्रीता का है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वो लोग यहाँ आए थे सबूत ढूंढने के लिए एंड जब वो सबूत ढूंढ रहे थे यहाँ वहां तब ये यहाँ गिर गया था। इसका मतलब मेरी इस्लामुक प्रीता के पास है। शलिन लगती तो बहुत शातिर है लेकिन अपनी जीत की खुशी में उसने कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा छोड़ा होगा जो मेरे काम का। लाइटर तो आपके पास तभी होगा ना अगर आप सिगरेट पीते हो और अगर नहीं पीते तो लाइटर कहाँ से आएगा? मैं ले आऊंगा ना जलाल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो तुम्हें पता चल जाएगा। बस मैं भी साथ चलूंगी। नहीं तुम नहीं चलोगी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बहुत बोरिंग हो गया। टीवी एक प्रोग्राम नहीं है देखने के लिए। होने वाली नेता के लिए रिक्वेस्ट है प्लीज मेरा टेस्ट ले और जब तक तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी मैं एक एक करके तुम्हारे घर को तोड़ता चला जाऊंगा।